हेलो जी, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी अपनी सीता। सबसे पहले आप सबको खूब 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 सारा प्यार है, और इसके पहले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से। जो आप लोगों के बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट्स थे, जिससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ, मुझे हिम्मत मिली है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, है ना। बस आप लोग ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहना, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते रहना, क्योंकि अब भी ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे सबके ब्लेसिंग्स की है, सबसे ज़्यादा, है ना। आप लोगों की ब्लेसिंग्स बहुत वैल्यू रखती हैं, ताकि जच्चा बच्चा दोनों ठीक रहें हम। और व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, तभी आप लोगों के पास हमारी व्लॉग आ जाएगी। तो यहाँ पे ना ये मेरा सूप है, क्योंकि मैं सूप पी रही हूँ, और आप देख रहे हो पूरा रूम बिखरा पड़ा है। जेठू जी, हेमंत, हम सबको ही सूप पी रहे हैं, और आपको ये पूरा रूम जो बिखरा हुआ दिख रहा है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। तो चलिए मैं आपको रीज़न बता देती हूँ। हमने जो वो व्लॉग डाला था और फिर घर वालों से बात बात हुई, तो उन्होंने यही डिसीज़न दिया कि उनको ये लगता है कि हमको हमारी जो डिलीवरी है वो मुझे वहीं करवानी चाहिए। तो कुछ उस हिसाब से ही सोच के जा रहे हैं हम। अब देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होता है, जैसे भी होता है, आप लोगों के साथ अपडेट रहेगा हमारा, है ना। क्योंकि ये है कि भाई कुछ दिन अब मुझे जाना है, एक बार का मेरा मन उठ गया, होता है ना, अंदर आत्मा बोल दी कि मुझे जाना है, तो मतलब वही है। फिर दीदी लोग, जिठानी, सबको यही बोले कि एक बार तू आ जा, तू देख ले अगर डिलीवरी यहाँ करवाएगी कैसे क्या होगा। तो हमने सोचा एक बार तो मैं मेरा जो भी मुझे सामान चाहिए वो सारा पैक करके लेके जा रही हूँ, क्योंकि पैक कर लूँ कल को मैं वापस गुड़गांव नहीं आई तो प्रॉब्लम्स नहीं हो। जितना हो सकता है मैंने उस हिसाब से काम भी मेरा करने का सोचा है वो भी होगा, और यहाँ पे पैकिंग कर लेती हूँ, फिर मैं निकलूँगी, और जो भी रहता है रास्ते की सारी चीज़ें बताऊँगी। तो ये रहे जेठू जी, कुछ बताइए पति परमेश्वर जी। हाँ, जिसका उठ गया था जी, हाँ जी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, ऐसे रोने लगी, बहुत देर रोई थी मैं आज। घर पे फ़ोन किया और सबको बोला, तो बोले एक बार यहीं आ जाओ, आगे का जो भी होगा देखेंगे, तुम एक बार यहाँ आ जाओ, तो इसलिए वहीं जा रहे हैं। तो अब हेमंत की पढ़ाई को लेकर, हेमंत लुक, हेमंत की पढ़ाई को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो देखते हैं हेमंत आता जाता रहेगा या जो भी रहेगा, जैसे भी रहेगा उस हिसाब से करेंगे। देखते हैं हेमंत आता जाता रहेगा, वीकली यहाँ रहेगा अपने स्कूल टाइम में, और वीकडेज में वहाँ आ जाएगा, मतलब जैसा भी रहेगा हम आप लोगों के साथ अपडेट करेंगे। और गाड़ी लेके, गाड़ी राम सिंह मैंने रेडी कर लिया है, यहाँ से मुझे जो जो सामान चाहिए, मेरे जो जो ज़रूरत वाले सारे सामान हैं वो मैं यहाँ पे, कुछ पैक हो गए हैं जेठू जी के और हेमंत के कपड़े, ये बाप बेटे की खुसर बुसरी ख़त्म नहीं होती है। कुछ कपड़े मैंने पैक कर लिए हैं जो जो मुझे नीड है, क्योंकि अब मुझे बाहर ज़्यादा जाना है नहीं, और आगे भी बाहर का वो ज़्यादा है भी नहीं, और थोड़ा सा मेरी बॉडी मानती भी नहीं है कि मैं ज़्यादा बाहर बाहर जाऊँ, ज़्यादा घूमूँ फिरूँ, तो वो भी नहीं मान रही है। बस थोड़ा सा ट्रैवलिंग का है, बट मैंने दीदी को पूछा, सबने बोला कि नहीं अभी तू कर सकती है, और ख़ुद की कार है तो इतना टेंशन नहीं है, हम कहीं पे भी रोक सकते हैं, कहीं पे भी कुछ कर सकते हैं, और मैंने वो सीट वाला रखा ही है लेके, तो उससे बहुत ही कंफर्टेबली मुझे नींद भी आ जाती है गाड़ी में, और टेंशन भी नहीं है। राम सिंह चलाएंगे, जेठू जी आगे बैठेंगे, पीछे मैं सोऊंगी, उसके पीछे करण और हेमंत रहेगा, और थोड़ा बहुत सामान लेके जाएंगे, फिर ये लोग आते जाते रहेंगे, उतने में सामान वामान लाते रहेंगे। तो अब जैसे भी रहेगा आप लोगों के साथ अपडेट करते रहेंगे। अब मैं पीती हूँ मेरा सूप, क्योंकि मुझे सूप बहुत ज़्यादा पसंद है। किसको किसको सूप पसंद है मुझे ये भी बताना, है ना। हम सबको सिर्फ टोमेटो सूप ही ज़्यादा पसंद है, मैं आपको बता दूँ, मुझे और कुछ नहीं पसंद, जैसे मनचाऊ सूप है, ये सूप है, वो सूप है, मिक्स वेजिटेबल सूप नहीं पसंद है। हाँ, टोमेटो सूप मुझे अच्छा लगता है, तो मैं पी लेती हूँ। तो सूप वूप पी के अब मैं करती हूँ पैकिंग, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, तो बने रहना, खूब सारा प्यार देना। तो यहाँ पर जाने से पहले हमने इनमें पानी डाल दिया है, आप देख लो, और बहुत ही सुंदर सी हैं। सो घर पैक हो गया, ये कुछ कपड़े हैं वो अब करण आके समेट लेगा, या जो भी करण आएगा, क्योंकि आगे तो करण को वापस आना ही पड़ेगा। अब मैं कब आऊँगी पता नहीं। हाँ, लिफ्ट को बुला लो, कान्हा जी को ले गए ना, वो चप्पल सीधी कर दो प्लीज़, चप्पल सीधी नहीं रहनी, चप्पल टेढ़ी नहीं, वो उल्टी नहीं रहनी चाहिए ना, हाँ वो नीचे वाली। तो अब हम रवाना हो रहे हैं भगवान को हाथ जोड़ के, सासू माँ ससुर जी को हाथ जोड़ के, क्योंकि हो गया है टाइम, बाल बाल बांध लिया है। आप लोग टेंशन मत लेना, बहुत सारे मजेस आएंगे कि दीदी स्वेटर नहीं पहनी है, तो स्वेटर ले ली है, बस मेरे को गर्मी लगती है यार, बहुत गर्मी लगती है, तो मैं नहीं रह पाती हूँ मुझे, इसलिए मैंने नाइट सूट वेयर कर लिया, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल नाइट सूट में रहती हूँ, कुछ भी दो ना दो, बस नाइट सूट दे दो मुझे। तो कंबल वगैरह ले ली है, ये रही मैं,
ढीली ढाली जल्दी सी, ये देखो तो बस अभी रवाना हो रहे हैं, कब पहुंचेंगे, घर वालों को सरप्राइज, सरप्राइज तो क्या उनको पता ही है। हाँ बेटा आ गई, उनको पता ही है कि हम आ रहे हैं, आप लोगों को मिलाऊंगी, वो लोग भी खुश हम भी खुश, तो चलो चलो। तो यहाँ पे हम रवाना हो चुके हैं, है ना जेठू जी? बिल्कुल। जेठू जी एक्साइटेड गांव जाने के लिए? तो ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। और ये रहा हेमंत। हेमंत वक्त का ये परिंदा, करण ठीक हो? हेमंत भी सो रहा है। और ये रही मेरी सीट, और ये रही मैं, मस्त होके जाती हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने सीट के बारे में पूछा, तो आप देख लो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है ये, और ये पिलो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मेरा जो ट्रैवलिंग का सफ़र होता है वो बहुत ही इजीली हो जाता है इससे, ठीक है, क्योंकि इतना तो देखो घर पे भी प्रॉब्लम होगी, अब जैसे जैसे दिन नज़दीक आएंगे तो हर सिचुएशन में प्रॉब्लम तो होनी है। हाँ नहीं, मैं ट्रैवलिंग की बात कर रही हूँ, वो तो होएगी, तो बस इसीलिए इसको इन दोनों के साथ मेरी थोड़ी सी ट्रैवलिंग ईजी हो जाती है, कम्फर्टेबल हो जाती हूँ मैं भी। अब बस अब मैं सो जाऊंगी, सुबह पहुंचेंगे, तब तक हम सुबह नींद खुलेगी, हम तब तक घर पहुंच जाएंगे। हाँ जी, हाँ एक गजब की कहानी है, कभी आप लोग में सुनाऊंगा। हाँ जी शानदार सुनाऊंगा, थोड़ी बड़ी है, 2-3 मिनट की है, लेकिन कभी कोई ऐसी बात करते हैं ना, हर चीज से घबराने वाली बात करते हैं ना कोई भी, उसको लेके कहानी है। एक्चुअली क्या, एक किसान था, एक बार क्या हुआ कि बिना टाइम की बारिश आ गई, तूफान अंधड़ के साथ में, है ना, तो वो भगवान से नाराज़ हो गया शिव जी से, और उसने ऐसे ही चलते चलते में शिकायत कर दी, ऐसे बैठे अपन भी कर लेते हैं कई बार, तो उसने भी शिकायत कर दी, यार भगवान आपको कुछ पता नहीं है कि कब तो बारिश करनी चाहिए, कब धूप देनी चाहिए, कब हवा देनी चाहिए, कितनी हवा देनी चाहिए, कितनी सर्दी देनी चाहिए, आपको कुछ पता नहीं है, इसके चलते फिर अनाज खराब हो जाता है, जो खेती करते हैं खेती खराब हो जाती है। शिव जी का भक्त था, शिव जी हमेशा ही भक्तों में मेहरबान रहते हैं, बोलो भक्तों पे उनकी शिकायतें भी सुनते हैं, वो भी खुद भी बोले भगवान हैं, तो उन्होंने कहा यार, तो वो प्रकट हो गए शिकायत सुन के, और उन्होंने कहा चल भाई तू बता, तो बोले मैं जानता हूँ सारी, तू सारी जानता है? हाँ मैं जानता हूँ, मैं किसान हूँ, मैं खेती बाड़ी सब जानता हूँ, मुझे पता है कब बारिश होनी चाहिए, कब क्या होगा, किसानों का नुकसान। शिव जी ने कहा चल इस बार की फसल है वो तू कर दे, बारिश कब करनी है। किसान के हाथ में दिया सब कुछ, किसान ने शुरू किया काम। अब किसान ने अपने हिसाब से जब जरूरत थी भाई धूप दी, थोड़ी थोड़ी हवा दी, पानी दिया जरूरत के हिसाब से, पहली बारिश की जरूरत थी वहाँ पहली दी, दूसरी जरूरत दूसरी, एकदम सब सिस्टमेटिक, कोई भी पेड़ मतलब कोई भी पौधा है जो हिले डुले नहीं, एकदम आराम से सारे खड़े हो गए पौधे, मस्त खेत देखो तो एक से एक बढ़ गए, है ना। तो भगवान ने हो गई ख़त्म, सब हो गया फाइनल, वो फसल कटाई का समय आ गया। फसल कटाई के समय आए तो भगवान ने किसान से कहा तू खुश है? बोले हाँ खुश हूँ, सब तेरे हिसाब से वाह, हाँ ठीक है ओके फिर मैं जाऊँ। और किसान ने कहा हाँ। अब किसान ने जैसे ही वो खोला ना उसको, फसल काट के जो ये दानों को खोलते अपने गेहूँ के और के, उनमें देखे तो पौधे तो सब सुंदर सुंदर है, लेकिन उनमें एक में भी दाना नहीं है, अनाज है नहीं, गेहूँ में गेहूँ नहीं है, बाजरे में बाजरा नहीं है। बोले ये कैसे हो गया? तो भगवान ने कहा बेटा जो ये ना आंधी तूफान इन सबसे जो लड़कर खड़े होते हैं ना, उन्हीं में उपजाने की शक्ति होती है, है ना। इतना नहीं सोचा करते यार। सो ओके गाइस, अब हम करते हैं हमारा सफर, मिलते हैं बीच में कहीं, मालिक को सब पता होता है ना, कुछ होगा तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर किया जाएगा, बनी रहना, खूब सारा प्यार देना, तब तक मैं लेती हूँ एक छोटी सी स्टेप, मतलब नींद की झप्पी। हम लोग पहुंच चुके हैं, सीधा बुआ के घर आ गए ना, अब यहाँ पे खाना वाना खा के फिर हम जाएंगे अपने घर। मैं तो यही रुकूंगा, मैं तो फिर भी सो के आई थी, ये तो बिल्कुल भी नहीं सो, मैं और हेमंत तो फिर भी सो के आए ना, मैं तो यही रुकूंगा अब एंजॉय। अच्छा हाँ हेमंत अब अपने बुआ के घर रुकेगा, भाई सबको यही आने वाले हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ माँ जी के लिए, माँ के लिए क्या बनाया जा रहा है ना। माँ खाना बना रही हूँ देखिए, तो काय करो थे और रोटी बनावा बेटा, रोटी का काम नहीं उठा देना। अम्मा कह रही है कि रोटी बना रहे हैं, अम्मा आपके पास।
यहाँ पे हम सब बैठ के बातें कर रहे थे। दीदी मेरी तबीयत का पूछ रही थी कि अब कैसे क्या चल रहा है। जीजू भी बातें कर रहे थे, बोले अब एक बार डॉक्टर दिखाएंगे यहाँ पे भी, तो जो भी होता है आप लोगों के साथ सारा अपडेट देंगे। सो वेलकम होम। सोचा नहीं था कि हम फिर आएंगे इतने जल्दी हमारे घर। अराउंड 1 महीने तो हो गए हैं पूरे पूरे। यस, हम 21 को गए थे, आज आपके सामने है। 16 रुपये बदबू आवे। वो तो अब चूहों के घर हो गया ये। अरे राम जी, करण आ रहा है ना। ओ पीछे की खिड़की खुल गई। ओ मम्मा पीछे वाला हाँ, ये देखो ये हालत होती है। बट इस बार तस्वीरें हमने प्रॉपरली फिक्स करवा दी। ये हालत होती है यार, कसम से परेशान कर देते हैं। हाँ पता है। हाँ लोग गेट थोड़ा सी ढीला है। ये देखो आप, ये है मेरे घर की हालत। हाँ ये है मेरे घर की हालत। हाँ प्लीज़ करवाओ यार। ये देखो, ये देखो अभी सारा का सारा। करण भी आ रहे हैं, करण भी आ करेंगे ठीक। हेमंत को हम बुआ के घर ही छोड़ के आ गए, क्योंकि मेरी ननद के घर भी जागरण है आज बहुत बड़ा सा। तो जब आए गए हैं तो इसी बहाने सब कोई से मिलना भी हो जाएगा। और अब पूरा रूम वूम ठीक करेंगे। भगवान जी को हमने सबने इसीलिए यहाँ रखे गए कि हमारे भगवान जी सारे सेफ रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे घर में ना चूहों से खतरा है यार, चूहों से भगवान को बचाना पड़ता है। क्योंकि हम थोड़े से वहमीले हैं, कुछ भी 1921 हो जाए तो मेरा मन फिर है ना बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लेके आ जाता है। तो इसीलिए अब करण भी आ रहे हैं, हेमंत वहीं रहेगा क्योंकि उसकी मंजू दीदी आ रही है, उसके राम भैया तो आए हुए हैं, टीनी आ रहा है, अम्मा वहीं है, प्रियंका दीदी है, नितेश भी है, महेश भी है, उसकी भाभियाँ हैं। तो अब 2 दिन हेमंत वहीं है, फिर वापस हेमंत संडे को, हाँ मोस्ट प्रॉब्ली संडे को वापस चला जाएगा, यही है। बट आगे जैसा भी रहता आप लोगों के साथ अपडेट करेंगे। अभी हम सो रहे हैं, सो के उठ के हाँ जैसे जैसे होगा आप लोगों के साथ अपडेट करती रहूँगी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता है क्या होते क्या हो रहा है, क्या सोचते क्या सोच रहे हैं। तो जैसे भी होता आप लोगों के साथ अपडेट करेंगे, बने रहना। तो अभी करण भैया सामान लेके आ रहे हैं सारा, और मैं करूँगी अब थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि मेरे बैक में मेरे यहाँ साइड में इतना गंदा पेन हो रहा है ना, इतना गंदा जिसकी कोई सीमा नहीं है। और अम्मा ने मुझे खाना खिला के भेजा एक बार का, तो मैं फुल हूँ। तो अब मैं सो जाऊँगी, मुझे नींद आ जाएगी अच्छे से। नींद से उठ के फिर नहा धो के फिर जाऊँगी दीदी के घर, फिर आगे आप लोगों के साथ बाकी चीज़ें शेयर करूँगी। सब बने रहना आप लोग, है ना, खूब सारा प्यार देना। यहाँ पे अम्मा ने खाना बना के भेज दिया मस्त वाला, ठीक है। और अब ये मुझे खिला रहे हैं, ये रहे जेठू जी। जेठू जी लुक, हाँ। और हेमंत रुक गया था वहीं, अब हम खाना वाना खाएंगे, खाना वाना खा के फिर मैं तैयार होंगी। अम्मा ने दीदी ने मना कर दिया है, यहाँ पे वो नहीं करना है, खाना नहीं बनाना है। तो पूरा घर साफ सुथरा कर दिया है करण ने। करण भी थोड़ी देर सो गया था, अब वहाँ पे फंक्शन है, तो अब बस करण भी जाएगा, मैं भी जाएंगे। और यहाँ पे कुछ सर्चिंग चालू है, कुछ ATM कार्ड वगैरह की। हाँ जी, तो खाना वाना हो गया कम्प्लीट। अब थोड़ी देर मैंने सोचा मैं पहले रेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं सोई नहीं। हुआ ये ना कि मैं घर आई ना, और मैंने पिछले कुछ दिनों से यहाँ ये जो साइड वाली ये होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, तो इसको पसली बोलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है, पता नहीं सोने की वजह से कि क्या वजह से। तो फिर बहुत देर मेरे को रोना भी आ गया, इतना गंदा दर्द हुआ ना, इतना गंदा कि पूछो मत, ठीक है। फिर मैंने बुला के किसी को, फिर अच्छे से उसको मालिश करवाई, तब जाके थोड़ा सा उसको आराम, मतलब वहाँ पे आराम आया। और फिर गर्म पानी की सेक वगैरह की, फिर जाके ऐसे शांति मिली। तो मेरी आँखें ना इसीलिए थोड़ी सूजी सूजी सी लग रही है आप लोगों को, क्योंकि जब दर्द होता है ना तो बस यही मान लो कि। और यहाँ पर ना स्वेलिंग भी आ गई है, और मेन बात है कि मैं जब सांस ले रही हूँ ना, तो उस दौरान यहाँ पर दर्द हो रहा है। तो मेरे को डॉक्टर को भी दिखाना पड़ेगा, दिखाऊँगी मैं। तो अब मैं थोड़ी देर, आधा 1 घंटा रेस्ट करके उसके बाद तैयार होकर जाऊंगी, क्योंकि फिर दीदी के घर पे फंक्शन है। वो है पुनरसर बाबे का जागरण है, जो कि बहुत लंबे टाइम से था उनके वहाँ पेंडिंग, तो वो आज उन्होंने दिलवाया है।
तो हमने सोचा जब आ ही गए तो सारे फंक्शन अटेंड भी करेंगे ना, भगवान का नाम नेम तो इस टाइम तो जितना मिले उतना ही कम है। तो ये वाला व्लॉग एंड करी हूँ, बट एंड करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। इसका जो नेक्स्ट वाला व्लॉग आएगा ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड होगा, हाँ पूरी ट्रू स्टोरी होगी, ठीक है, जिसको मैं प्रॉपरली आप लोगों के लिए अभी शूट करूँगी। मुझे बहुत ज़रूरी है, मुझे करना है वो चीज़ शूट, क्योंकि आज अगर मैंने नहीं किया तो फिर कब करूँगी, और आप लोगों को भी पता कैसे चलेगा, तो सारी चीज़ें रहेंगी। तो इसका नेक्स्ट वाला व्लॉग ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, खूब सारा प्यार देना, ब्लेसिंग्स देना, और हेमंत अपने बुआ के घर ही रहेगा अब तो, और हम भी जाएंगे क्योंकि कल है मेरे नानदेव जी का फर्स्ट एनिवर्सरी और मेरी ननद की 30th एनिवर्सरी है, तो थोड़े बहुत सेलिब्रेशंस होंगे, सारी चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर की जाएगी, हर व्लॉग शेयर होगा जितना मैं कर पाऊँगी, ठीक है, ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बट जितना हो पाएगा उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो खूब सारा प्यार देना, खूब सारी ब्लेसिंग्स देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आप लोगों के पास व्लॉग आ जाए, है ना, खूब सारा प्यार देना, बाय बाय।